तारुफ करवाए हैं और क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से तकारीफ हो रही है, खवातीन के हकूक के लिए क्या करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बीबीजान काकड़ है और मैं लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम की सूबाई सदर हूँ। तो आज जैसे ख्वातीन के दिन के मुनासबत से हमें ये सेमिनार मुनक्किद किया गया और हम सबको इनवाइट किया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख्वातीन के लिए एक दिन नहीं होता, हर दिन ख्वातीन का ही होता है। जैसे हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे जो है हम इस्लामी एक मुआशरा है, हमारा इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ हर दिन जो है ख़ातून का ही दिन होता है। मतलब ये डे इनको मैं इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती कि आज मदर डे है, सिस्टर डे है, ख़वातीन का दिन है, फादर डे है, तो हमारा हर डे जो है हमारी ख़वातीन का है, हमारे मदर्स का है, फादर्स का है, सिस्टर्स का है, ब्रदर्स का है। तो इस हवाले से हमें आज इनवाइट किया गया है, तो मैं एक कहना चाहती हूँ जैसे हमारे इस्लाम ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है, ख़वातीन को जितनी इज़्ज़त हमें इस्लाम ने दी है तो शायद किसी मज़हब में इतना नहीं दी है। लेकिन हमारे माशरे में कुछ अनासर इस तरह है कि अभी तक वो ख़वातीन के जो है वो हकूक को नहीं मानते, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि एक ख़ातून आगे आए, अपने हकूक के लिए फ़ाइट करे। जैसे आपको पता है कि मैं लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम में हूँ, तो मुझे यूनियन बनाने का शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसीलिए बनाई कि हमारी ख़वातीन जो है वो ज़्यादा पिस रही थी, उनको वो हकूक नहीं दिए जा रहे थे जो उनका हक है, जो एक डिपार्टमेंट में उनके हकूक है। जाहिर सी बात है हमारे हर डिपार्टमेंट में हर चीज़ के उसमें भी कानून है, तो यहाँ पे जो है हमारे कुछ अनासर है कि वो उस कानून को मानते ही नहीं है, वो जो है वो चाहते ही नहीं है कि एक खातून जो है वो सर उठाए, हमारे से बात करे, हमसे क्वेश्चन करे, तो इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा। थैंक यू। वहाँ देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, पहले ये बताए। ओके सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अना मलिक मिंगल है और वुमेन डे जब भी ये लफ्ज़ मैं सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हमने क्यों इसे एक अल्फाज तक महदूद किया हुआ है, एक दिन तक महदूद किया है, क्योंकि जर्नली अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते ना औरतों के हकूक़ का, ना ही औरतों को इतना मौक़े देते हैं कि वो अपने राइट्स को ख़ुद इंजॉय कर पाए। मैं इस पूरे डे को एक सिनारियों में आपको बयान करती हूँ, मैंने एक पोइट्री लिखी है, मैं वो आपको सुनाती हूँ, यकीनन आप समझ जाएंगे कि औरतों के लिए ये दिन क्या है। मैं कौन हूँ? अक्सर ख़ुद से ये सवाल पूछा करती हूँ, मैं कौन हूँ बूझा करती हूँ। कोई कहता है बिनते हवा हूँ, कोई कहता है अजाबे खुदा हूँ, कोई कहता है बिनते हवा हूँ, कोई कहता है अजाबे खुदा हूँ, कोई कहता है माँ का सहारा हूँ, कोई कहता है उसकी परेशानियों का खजाना हूँ, कोई कहता है बाई की हमदर्द हूँ, कोई कहता है उसके कंधों का बोझ हूँ, कोई कहता है बाप की शान हूँ, कोई कहता है उसके नाम पे दाग हूँ। मैं कौन हूँ? अक्सर ये सवाल पूछा करती हूँ, मैं कौन हूँ बूझा करती हूँ। कोई कहता है औलाद की जन्नत हूँ, कोई कहता है बेमकसद हूँ, कोई कहता है मर्द का सुकून हूँ, कोई कहता है उसके लिए बेयकीन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ शायद ये मैं जानती हूँ, पर मनवा नहीं पाती। मैं एक औरत हूँ, हयादार औरत, वफादार औरत, राजदार औरत, बेनियाज औरत, हाँ मैं एक औरत हूँ, बस सिर्फ एक औरत। शुक्रिया। आपने खुद ही बनाया? जी जी बिल्कुल।